बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, आपके लेक्चर में हम 14-23 जो कोर्स कोड है, चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है, इसका जो नेम है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। तो अजीज तलबा, इम्पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आगे आपको चैप्टर समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को, लेक्चर को आपने लास्ट तक सीन करना है, फिर इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर ये किस तरह से आएगा, इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन या कोई भी चीज आती है। तो पॉसिबिलिटी जो होता है, एक अमकान होता है, मतलब कोई चीज पॉसिबल होती है तो उसके लिए हम कहते हैं, मतलब कि कोई चीज मुमकिन होती है तो उसके लिए हम पॉसिबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो इम्पॉसिबल होता है उसके लिए हम इम्पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबल इस्तेमाल करते हैं। खैर, हम सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस भी आपको बता देता हूँ, आपकी थोड़ा इजी हो जाए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का जो मैंने एक सेंटेंस बनाया है, पॉसिबिलिटी, आई थिंक इट इज पॉसिबल टू रीच होम अर्ली टुडे। ये मुमकिन है कि वो सुबह जल्दी आ सकता है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर पॉसिबल इस्तेमाल किया है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है, इस चीज का आपने टेंशन नहीं लेनी, इस चीज की कोई भी ये कंफ्यूजिंग अपने माइंड में नहीं लेकर आनी, सेम थिंग है, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। चलिए, खैर, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी जो है, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू बाय अ न्यू हाउस दिस ईयर, कि ये नामुमकिन है कि इस साल वो कोई न्यू घर एक खरीद सके, ठीक है। ये मैंने एक इम्पॉसिबल का बना दिया। हो सकता है कि मे बी आपके पेपर में हो कि इम्पॉसिबल कि वो एक स्टेटमेंट दी गई हो, उसके मुताबिक आपने सेंटेंस बनाने हो, 5-4 जितने वो आपको कहें, तो इम्पॉसिबल के भी आपने बनाने हो तो भी आप इस तरह से बना लीजिएगा, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, कोई टफ नहीं है। चलिए, खैर, आगे नेक्स्ट में आपको बता दूं, उसके बाद एक लफ्ज होता है सर्टनली, एक ये वाला है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है और सर्टेनली का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब है यकीन या यकीनी, और उसका मतलब क्या होता है, यकीनी तौर पर। सर्टेनली का मतलब यकीनी तौर पर, और बस यहाँ पर उस इस टी की जगह पर वो एल आ जाना था, इसलिए सर्टेनली बन जाता है। चलिए, खैर, अब सर्टेन जो है, यकीन जो है, अब आई एम सर्टेन दैट आई विल रीच इन टाइम, मुझे यकीन है कि मैं वक्त पर जो है पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने इसका भी एक सेंटेंस बना लिया। इसके पॉसिबल और इम्पॉसिबल जो है, इसके लिए हम ये दो तो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके इस तरह के मजीद सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये दो वर्ड भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी इस्तेमाल किए उस तरह। इसी तरह ये भी है, आई एम अनसर्टेन टू रीच होम इन टाइम ड्यू टू सेम ऑफिस एमरजेंसी। अब जैसे मैंने एक पॉसिबल का बनाया था, उसके बाद इम्पॉसिबल का बनाया था, इसी तरह मैंने यकीन का बनाया और उसके बाद ये वाला मैंने बना दिया सेंटेंस। इसके मुताबिक आपने सेंटेंस बनाना होते हैं, लेकिन खैर, आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो जो भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजिंग होगी वो भी मैं आपकी दूर कर दूंगा। चलिए, अब इससे मैंने एक नंबर 2 पे मॉडल वर्ड्स, ये पॉइंट्स 1 पे ये पॉइंट्स था, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ मजीद और कर दूंगा। उसके बाद नंबर 2 में मैंने मॉडल वर्ड्स बताया कि इस चैप्टर में आपने मॉडल वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर ही आपने कंप्लीट कर लेना है। मॉडल वर्ड्स क्या चीज होती है, मॉडल जो चीज है ये असल में लफ्ज जो है मूड से निकला है, मूड से निकला है। वर्ड जो होते हैं, इधर में एक मैंने इसके लिए एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इधर आपको बता दूं, सिंपल आप सेंटेंस बनाते हैं, ही प्लेस फुटबॉल, आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब जो आपकी है, इसमें जो मजीद इजाफा होता है उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फिक्रे में थोड़ी जोर देना चाहते हो किसी काम में, तो उसे हम ये चीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ही कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकता है। इसके लिए काफी ज्यादा वर्ड होते हैं, वो मैंने अलग से एक लेक्चर में बताए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां से उस लेक्चर को सुन लीजिएगा।
चलिए है पॉइंट नंबर थ्री पे, थ्री की अगर बात की जाए तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग ये क्या चीज है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या चीज है। हम कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बुक है, तो हम तेजी के साथ अगर उसे रीड करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी दो तीन चीजों को देखेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस तरह का मवाद है, किस तरह का मटेरियल है, इसके अंदर क्या चीज है। तो खैर इसके लिए कुछ वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, आ लेटर। अब देखें, अब लेटर जब आपको कोई कहता है तो आप कहेंगे इसके अंदर कोई खत है। अब खत कैसे है, अगर आप ऊपर से उसका जो टाइटल है जो वो अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि खत किसके मुताबिक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ रिसाइट जो है, इसके अगर इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा, तो ये मुश्किल नहीं है, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये वो टाइमिंग लिखी होती है, फॉर एग्जांपल आप, मैं सिंपल ये करता हूँ कि स्कूल जो है वो फलां स्कूल 9 बजे ओपन होता है, 3 बजे क्लोज होता है, वो फलां 8 बजे ओपन होता है, तो 2 बजे क्लोज होता है, इस तरह का वो एक इसमें कुछ चीजें आती है। मजीद एक दफा आपको बुक को रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप डायरी एंट्री, डायरी एंट्री में क्या होता है, डायरी एंट्री में भी आप यही चीजें भी आ सकती हैं। बात समझ, ये भी हो सकता है आप लिख दें कि आज मैं वहां गया, उस तरह के कोई भी सेंटेंस, आज मैं उससे मिला, आज सुबह मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया था, वो डायरी के अंदर जो भी चीजें इस तरह की आती है, तो अगर इस पर अगर वो आ जाए तो एक आपने नोट लिखना होता है, और अगर इस पर आ जाए तो इस पर इस तरह से लिख सकते हैं। लेटर आ जाए तो लेटर के बारे में आपको बताया गया होगा, आपने उसके मुताबिक लिख देना है। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में ये ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आपका माइंड की दूसरी और साइड पे चला जाए। बस ये ज्यादा जो है ना, मैंने मेन जो है एक मोटा सा जिसे आप कहेंगे वो मैंने आपको स्टेप बता दिए। एक दफा आपने बुक को रीड आउट जरूर कर लेना है, रीडिंग कर लेनी है, कोई बात में अगर कंफ्यूजिंग भी आती है तो वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। गिविंग एडवाइस, आप लास्ट में जो मैंने पॉइंट बनाया है ये गिविंग एडवाइस है। अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो वो आप किस अंदाज से देंगे, इससे देंगे यू शुड गेट सम रेस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपका दोस्त कहीं से थका हुआ आया है तो आप उसे ये कहेंगे इस तरह के, अगर पेपर में देखिए, पेपर में आपका जो इम्तिहानात में कुछ इस तरह से अगर आपको वो स्टेटमेंट दी जाती है कि आपका कोई दोस्त या कोई भी आपका जो रिलेटिव या कोई आता है तो कजन आपका अंकल जो भी, तो उसको आपने एक सजेशन देनी है, एक एडवाइस देनी है कि आप थोड़ा रेस्ट करें, तो उसके लिए आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, यू शुड गेट सम रेस्ट। अगर आप ये कहते हैं आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अगर कोई बीमार है तो आप उसे देना चाहते हैं तो फिर इस तरह से दे सकते हैं, आई थिंक You should consult a good doctor. अगर मैं तो कहूंगा तो फिर मैं तो गुड डॉक्टर कहूंगा। अगर आप डॉक्टर कहना चाहते हैं डॉक्टर भी अच्छी बात है, अगर वो पहले से किसी डॉक्टर को चेक करवा चुका हो, कहे कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे इलाज किया लेकिन कोई आराम नहीं आया, तो फिर आप इसकी जगह पर गुड डॉक्टर कह किसी अच्छे डॉक्टर के पास आते हैं। चलिए खैर, आज के लेक्चर में मैंने आपके जो मेन पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन किए चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर मजीद कोई कंफ्यूजिंग या कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह ये जब चैप्टर्स या आपकी बुक कंप्लीट होगी तो फिर आपको गैस और आपके पेपर वगैरह उस तमाम तार लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।